11 सितंबर से शुरू हो रहे संगठन चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर ली हैं और इसी सिलसिले में प्रदेश कार्यालय कुसुमभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह शामिल हुए। बैठक में संगठन चुनाव के साथ ही प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के बाद प्रदेश के सभी जिलों के संगठन चुनाव को लेकर बैठक होगी। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश भर में चले सदस्यता अभियान के अच्छे परिणाम आए हैं। 10 सितंबर तक आंकड़े तैयार हो जाएंगे, जिसके आधार पर स्थानीय संगठन के चुनाव होंगे। 11 सितंबर से स्थानीय समितियों, 11 अक्टूबर से मंडलों और 15 दिसंबर तक सभी जिला इकाइयों का चुनाव होगा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विक्रम चंडी, प्रदेश सदस्यता प्रभारी संतोष पांडे, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश पदाधिकारियों सहित सभी जिलों के संगठन प्रभारी और जिला चुनाव अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा में 15 किलोमीटर की यात्रा जो करेंगे, उसमें पूरे लोकसभा की दृष्टि देखें तो 2 अक्टूबर से लेके महात्मा गांधी जी के जयंती से लेके 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती तक पूरे 150 किलोमीटर की पद यात्रा का बड़ा कार्यक्रम और बहुत बड़े कार्यक्रम की रचना की गई है। उसके साथ साथ हमारे जो संगठन चुनाव चल रहे हैं वो प्रक्रिया को हौला से चला गया। किसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी निर्वाचन होगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस प्रदेश ने जो सदस्यता अभियान चलाया है, एक जो आंकड़ा अभी बता रहे थे उसके मुताबिक बहुत अच्छी संख्या है और वो सारे उसके रजिस्टर तैयार हो रहे हैं जो 10 सितंबर तक तैयार हो जाएंगे और उसी के आधार पर 11 सितंबर से बूथ समितियों का निर्वाचन प्रारंभ होगा। संगठन पर्व में सामान्य सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, उसके बाद स्थानीय इकाई का चुनाव, फिर मंडल, जिला, प्रदेश और केंद्र, पूरे चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। क्योंकि सामान्य सदस्यता का कार्य पूर्ण हो चुका है, सक्रिय सदस्यता का कार्य चालू है और सितंबर के महीने से संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है। तो आज की जो बैठक हो रही है ये प्रमुख रूप से आगामी संगठन चुनाव की दृष्टि से हो रही है। हमेशा अपने बयानों से